एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना जंक्शन पर 50 लाख कैश बरामद होने के मामले में आयकर विभाग का एंट्री हो गया है। विभाग ने झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर को नोटिस देकर बुलाया है। उद्देश्य बता दें कि बरामद राशि की विस्तृत जानकारी लेना है और अगर वे राशि के बारे में सही सही जानकारी नहीं देते हैं तो फिर बेनामी समझकर जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद वे ईडी के रडार पर में भी आ सकते हैं और पवन पर पीएमएलए का केस भी दर्ज हो सकता है। तो फिलहाल देखिए आयकर विभाग की टीम हैंडलर बजरंग से पूछताछ कर रही है और आरपीएफ के बीते शनिवार की रात को पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैंडलर बजरंग कुमार ठाकुर को रांची पटना वंदे भारत से उतरने के बाद 50 लाख कैश के साथ पकड़ा था। पवन और बजरंग दोनों झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले हैं और आयकर की टीम बजरंग को पूछताछ के लिए जीआरपी के पास से अपने साथ ले गई। बजरंग के पास से बरामद 3 मोबाइल का सीडीआर खंगाला जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।